यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन कहते हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो क्या वह पहला उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से मित्रों के साथ व्यभिचार तो किया है, क्या अब भी फिर तू मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो। मार्गों में तू ऐसी बैठी हुई थी जैसे एक अरबी जन जंगल में, और तूने अपने देश को व्यभिचार आदि बुराइयों से अशुद्ध किया है। इसी कारण झड़िया और बरसात की पिछली वर्षा नहीं, इस पर भी तेरा माथा वेशा कासा है। तू लज्जित होना जानती ही नहीं। क्या तू अब से मुझे पुकार कर न कहेगी कि हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का रखवाला था? क्या वह मन में सदा क्रोध रहे रखेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशियाह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि क्या तूने देखा है कि भटकने वाली इसराइल ने क्या किया है? उसने तो सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जाकर व्यभिचार किया है, और जब वह ये सब काम कर चुकी थी तब मैंने कहा यह मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी, और उसकी विश्वासघातिन बहिन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा कि जब मैंने भटकने वाली इसराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर त्यागपत्र दिया, तब उसकी विश्वासघातिन बहिन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई, और उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, और उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया था। इतने पर भी उसकी विश्वासघातिन बहन यहूदा पूर्ण मन से नहीं परंतु कपट से मेरी ओर फिरी। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इसराइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर कि यहोवा की यह वाणी है कि हे भटकने वाली इसराइल लौटा, तब मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध रखे न रखूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई, और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, तूने मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी यह है कि हे भटकने वाले लड़को लौटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, और मैं तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो लेकर सियोन में पहुंचा दूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ोगे और फूलो फलोगे, तब लोग फिर यहोवा की वाचा का संदूक ऐसा न कहेंगे, और न उनका विचार उनके मन में आएगा, न लोग उसके न रहने के चिंता करेंगे, और उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगी, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिससे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। आह, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है दे दूंगा, और
तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर भटक न जाएगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इसराइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इसराइलों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़को, लौट आओ, मैं तुम्हारे भटकने को दूर करूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर जो कोलाहल हो रहा है वह व्यर्थ ही है। निश्चय इसराइल का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। परंतु उस बदनामी की वस्तु ने हमारी जवानी ही से हमारे पुरखाओं की कमाई, अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जा के साथ लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बने, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को हमने नहीं माना।